देखें, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा नया चैप्टर है, ठीक, चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए पहले डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज एज इलेक्ट्रिक, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, देखें, ठीक है, देखें सपोज मानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज, ये चार्ज जो है ये सपोज सोर्स चार्ज है, क्या चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब देखिए सपोज मान लेते हैं कि इसका जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ तक जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक, क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये सपोज इसका प्लेस कहाँ पे है, इनफाइनाइट पर, ठीक है, इनफाइनाइट पर ये रखा हुआ है, और इसको हमको लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट बी पर लेके आना है सपोज, ठीक है, पॉइंट ए मानो, जो भी मानो, ठीक है, इस पॉइंट तक लेकर आना है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, इस पॉइंट तक इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इस वर्क डन का और इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो टेस्ट चार्ज का, ठीक है, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। देखें होगा क्या, ये पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसको लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट, ठीक है। देखें यहाँ पर W, V इज इक्वल टू, V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल W बाई क्यू नॉट। अगर यहाँ पर हम ऐसा यूनिट निकालते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट, तो देखें ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का क्या होगा, जूल, डिवाइडेड बाई कूलम, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, जूल पर कूलम, क्या लिख सकते हैं इसको, जे सी इनवर्स, ठीक है, जूल पर कूलम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। सपोज यहाँ पर ध्यान दें कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई सोर्स चार्ज, ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज का सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, याद रखेंगे कि फोर्स जो टेस्ट चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज का जो फोर्स है वो टेस्ट चार्ज पर अप्लाई हो सकता है, होगा, लेकिन जो टेस्ट चार्ज है उसका फोर्स सोर्स चार्ज पर लगे, ठीक है, नेग्लिजिबल मानेंगे, इसका जो फोर्स है सोर्स चार्ज पर लगे उसको हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब ये बहुत यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा है, तो इसका जो है फोर्स इस पर तो इफेक्ट करेगा लेकिन ये इस पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स सोर्स चार्ज पर लगेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट जो है हमेशा याद रखेंगे। देखें तो सपोज देखें कि ये हो गया आपका क्या, एक पॉइंट ए पर है सोर्स चार्ज एंड पॉइंट बी पर है टेस्ट चार्ज, ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। सपोज इसको अगर हम, ठीक है, अब सपोज ये थोड़ा सा इसमें देखें, पॉइंट ओ पर सपोज मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और पॉइंट ए पर सपोज क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब हमको जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देखें यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो है आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्या जो सोर्स टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर देखें, अब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी तक, ठीक है, इस पॉइंट बी तक लाने पे जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा वो तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बात देखें कि ये जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब पॉइंट बी ए से पॉइंट बी तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या होगा देखें ध्यान से, ये क्या हो जाएगा चार्ज, एंड दिस इज ऑल्सो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इस पर फोर्स लगाएगा, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो एक फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा रिपल्शन लगेगा, रिपल्सिव नेचर का। ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन जब इसको हम इधर से इधर लेके आ रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए से बी तक ला रहे हैं, तो देखें पॉइंट ए से बी तक ला रहे हैं तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स हमको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर की ओर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से देखें कि क्या है, ये जो फोर्स है मान लेते हैं ये जो क्यू चार्ज ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द क्यू चार्ज ऑन क्यू नॉट, ठीक है, कितना लग रहा है, एफ एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और हमको इसको इस पॉइंट से उठाकर कहाँ लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी पर लेके आना है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, देखिए इक्वल होंगे एंड दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ध्यान देना, क्या हो जाएंगे, एफ एक्सटर्नल और ये जो है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे और क्या होगा, अपोजिट, मतलब हमको इसी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। देखें सपोज ये यहाँ पर है चार्ज, इसको मुझे धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा इधर से, ठीक है, इधर से एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, जो क्यू है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है उधर की ओर, ठीक है, उधर, लेकिन हमको इसको इधर लेके आना है, मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट हमको इधर फोर्स एक मतलब काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, हम धीरे 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 इसको लेके आएंगे, याद रखेंगे स्पीड में नहीं लाएंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे ताकि जो चार्ज है वो एक्सेलरेट ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलेंगे, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाएगा, जूल पर कूलम, क्लियर है, ओके। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम बना लेते हैं, पहले सिस्टम देखें कि सपोज ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, वेरी इजी, बहुत इजी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। देखें मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ओ पर है और पॉइंट ए पर सपोज कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पर सपोज कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी पर लेके आना है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को हमको उठाकर कहाँ लाना है, यहाँ पर लेके आना है पॉइंट बी तक। देखें तो यहाँ का मान लेते हैं पोटेंशियल जो है वो कितना है, वी ए, और एट पॉइंट पी पर बी पर जो पोटेंशियल है वो सपोज वी बी है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देखिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, W बाई क्यू नॉट। क्लियर है? अच्छा देखें थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस सॉरी VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA, ठीक है। तो ये जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल जो है उसको हम पोटेंशियल का जब हमको वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल सपोज एक क्षमता, एक पावर है, एक ताकत है। सपोज देखिए अगर हम किसी का पावर अगर हमको मेज़र करना हो, किसी की ताकत हमको मेज़र करना हो, ठीक है, सपोज आप दो दो फ्रेंड हैं, ठीक है, उन दो फ्रेंड का अगर हमको ताकत मेज़र करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उनके बीच कॉम्पिटिशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पावर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, पावर डिफरेंस, मतलब ताकत हमेशा डिफरेंस में ही निकाला जाता है, कंपेयर करा के निकाला जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन करा के निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को की वैल्यू भी हम डायरेक्ट मेज़र नहीं करते, उसका भी डिफरेंस में निकालते हैं, ठीक है, उसका भी हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, हमको पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं निकाला जाता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस करके निकाला जाता है, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे। देखें यहाँ पर सिंपल ये हमको पता चल रहा है V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट और ये भी इसी के बराबर है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा VB माइनस VA क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल जो डिफरेंस है या पोटेंशियल जो है वो हमेशा कंपैरिजन में निकाला जाता है। देखें ये V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट कैसे होता है, मीन्स क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल के बराबर ही होता है। देखिए सपोज हम ये मानते हैं कि ये पॉइंट O पर, ठीक है, सपोज ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये जो है इन्फिनिटी पॉइंट, इन्फिनिट जो है पोजिशन है, यहाँ पर क्यू नॉट रखा हुआ है। अब सपोज यहाँ पर हमको लेके आना है B पर, ठीक, यहाँ पे लेके आना है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी इन्फिनिट, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ का पोटेंशियल कुछ रहेगा, है ना, कुछ वैल्यू होगी। तो इसको जब यहाँ से उठा के हम यहाँ ले जाएंगे बी पॉइंट पर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी इन्फिनिट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सिंपल, देखिए वही है। अब देखिए इन्फिनिट क्या हो जाएगा जीरो, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, मीन्स क्या हो जाएगा, यही तो पोटेंशियल है। इसीलिए ये हमेशा याद रखें कि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में ही कैलकुलेट किया जाता है, दो पॉइंट के का जो पोटेंशियल है उनके कंपेयर करके, उनका डिफरेंस निकाल कर ही हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एक बार और सुन लें, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट ठीक है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखें हम निकालेंगे अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखें पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से। देखें कंसीडर दैट एट पॉइंट ओ और सोर्स चार्ज क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज क्यू इज प्रेजेंट प्लेस्ड एंड देखें एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ठीक है ये जो टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो है उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको एट एनी पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो पी पर पोटेंशियल निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम केमिस्ट्री में करते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी फिजिक्स में जो भी कैलकुलेट करते हैं पहले कम अमाउंट में, ठीक है, पहले कम अमाउंट में उसको कैलकुलेट करते हैं, देन
फिर होल में मतलब पूरे अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी तक, ठीक है, इस पॉइंट बी तक पहले क्या करेंगे, वर्क डन मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सॉरी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जिसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है dx, ठीक है, dx डिस्टेंस है, ठीक है। और अच्छा ये तो भूल ही गए, ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट O से P तक क्या है, r डिस्टेंस, डिस्टेंस r पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर, क्लियर है। तो ये अरेंजमेंट देख लें, सबसे पहले कंसिडर दैट एट पॉइंट O पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस एंड पॉइंट A Q नॉट प्लेस विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द O, ठीक है, एंड अ पॉइंट P विच इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, और हमको क्या करना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक पहले निकालना है, क्योंकि कम अमाउंट में निकालेंगे, फिर उसके बाद पूरा निकालेंगे, ठीक है। देखें अब ध्यान देंगे कि ये क्या है, सोर्स चार्ज, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हमको वर्क डन करना है, ठीक है, इसको हमको लेके इधर आना है, मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना है, एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, क्लियर है, हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो वर्क डन देखें, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, मतलब कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू और क्यू नॉट है, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब इसी को हम एक्सटर्नल में रखेंगे तो क्या लगाएंगे, सामने माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन, ठीक है, देखिए द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू displaced या bringing बोल सकते हैं, displacing the Q naught, मतलब ये जो Q naught है क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, Q naught टू पॉइंट B which is dx distance, ठीक है, जो है क्या हो, dx distance पर है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन करना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। ये एफ क्या है, ये एफ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। या सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, दोनों के बीच में देखें कैसे कैलकुलेट, एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो 180 डिग्री एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, तो बच्चों कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस वन, तो माइनस एफ डी एक्स, सिंपल सी बात है, ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, ठीक है, देखें टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग the Q naught from A to P, ठीक, पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यही F, ठीक है ना, माइनस F इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल, अच्छा देखो हम लेके कहाँ जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं ये जो पॉइंट है,
ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, सपोज ये इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन पर है, और हम लेके कहाँ जा रहे हैं, आर पोजीशन पर लेके, देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आर, तो इनफाइनाइट टू आर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगा आपका इनफाइनाइट टू आर, ठीक, जो माइनस से बाहर आ जाए, सॉरी, ठीक ठीक है, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx, क्लियर है। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचेगा उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसका, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा केवल x, तो 1 बाई एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा इनफिनिट r, ये इसको हम लिख सकते हैं x रेस्ट टू माइनस टू लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, देखें क्या हो जाएगा, f इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n n प्लस वन अपॉन सॉरी n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, ठीक है, ये होता है, कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, सॉरी n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x n x n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये सर करेक्ट है, क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, एंड लिमिट लगा देंगे, ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, चलिए देखें, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें वन अपॉन यहाँ पे माइनस है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन इन्फिनिट टू आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल, देखें ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा वन बाई एक्स, ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, लग जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिट, तो इसकी वैल्यू तो हटा देंगे फिर इधर सिंपल, कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये 1 बाई आर, ये हो जाएगा W, तो देखें पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे W का, कितना है 1 अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कैंसिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच जाएगा q अपॉन r, गायब कर दिए r, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह जो पोटेंशियल लगता है ये पोटेंशियल है, क्लियर है, ठीक है, ओके okay.